अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ तस्लीम फातिमा और मेरे चैनल तस्लीम कॉर्नर फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग सी रेसिपी जो काफ़ी चटपटा और खाने में टेस्टी है। तो आप होली के त्यौहार पे बनाइए या रमादान में बनाइए या फर्स्ट रोजा में, तो ये आपको काफ़ी टेस्ट लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, और ये आपको चाट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने इसमें एक कटोरी बेसन लिया, एक कटोरी से थोड़ी सी कम, और मैं इसमें हल्दी पाउडर यूज की और एक चुटकी के करीब, मुझे ये मीठा सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो बस अब मैं इसे पानी डाल के अच्छे से इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेती हूँ। आप अपने हाथों के सहायता से या चम्मच के सहायता से भी इस बैटर को अच्छे से बना सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं नमक इसमें यूज कर लेती हूँ और इस तरह से चलाते हुए मैं इसे एक बढ़िया बैटर तैयार कर लेती हूँ। ये जितना फल्की बनेगा हमारी फुल्की पकौड़ी उतनी ही टेस्टी और फूली हुई बनेगी। तो मैं इसे 5 मिनट के करीब मैं इसे अच्छे से इस तरह से फेंट लेती हूँ। अब हम अपने बेसन को अच्छे से फेंट चुके हैं और इसे 5 मिनट कवर करके हम इसे इसी तरह से फूलने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसका पानी बना लेते हैं। इसकी पानी बनाने के लिए मैंने एक ग्रीन चिली ली है, थोड़ी सी धनिया पत्ती और एक मुट्ठी के करीब मैंने पुदीना का पत्ती यूज़ किया है और 1 इंच के करीब अदरक। इससे हमारे पानी फुल्की का पानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे ग्राइंड कर, तो सबसे पहले मैं पानी ले लेती हूँ। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से धो के इसमें ऐड कर देती हूँ। कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे खाने में बरकत होती है। और मैं इसको अब सब इस भगोने में ट्रांसफ़र मैंने कर दिया है और अब मैं इसमें और चीज़ें भी यूज करूँगी। तो 1 चम्मच भर के मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच भर के चाट मसाला और 1 चम्मच में भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज करूंगी। और ये मैंने थोड़ी सी पानी में इमली भिगो के रखी है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे हमारे और भी टेस्ट अच्छा आएगा पानी का। और इसमें मैं अब नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, इससे हमारे पानी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यकीन मानिए ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा, खाने में और भी टेस्टी लगेगा। मैंने चख के देखा, अमेजिंग स्वाद, पानी का टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है। तो अब पानी को साइड में करते हैं और अब हमारा बेसन भी अब तैयार है। तो मैं इसने बर्तन में पानी ली हूँ, इसमें मैं अपने पकोड़े छाक के पहले इसमें रखूँगी, फिर ट्रांसफ़र मैं बाद में करूँगी। तो अब हमारे ऑयल अच्छे से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपने पकोड़ों को इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे फूले फूले से बन रहे हैं, ये देखिए। तो हमारे पकोड़े अच्छे से फूल गए हैं। हम इसे अब टर्न कर लेते हैं दूसरे साइड और ये देखिए इस तरह से। तो आप भी इस तरह से बनाइए गाइस, आपके भी पकोड़े इसी तरह से फल्की बनेंगे और खाने में ये देखने में कितना
टेस्टी लग रहा खाने में, कई चूना ज़्यादा आप अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो अब हमारे पकोड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे ये पानी में ऐड करेंगे, एक मिनट के लिए इस पानी में रखें, क्योंकि डायरेक्ट हम पानी में यूज़ नहीं करेंगे, इससे हमारे पकोड़े थोड़ा सा और भी नरम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, इसके बाद एक मिनट के बाद हम इसका पानी निकाल के तब हमने जो पानी बनाया उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं सारे पकोड़े बना लेती हूँ। तो हमारे पकोड़े अच्छे से, इसमें एक मिनट तक मैंने इसे अच्छे से इसका पानी निकाल दिया। हल्का सा प्रेस करना है इस दोनों हाथों से। ये देखिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इस तरह से डिश ऑफ, आप एक घंटे के लिए फ्रीज में रख के ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो आप भी बिस्मिल्लाह करिए। तो ओके, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई मेरे वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। बिरयानी रेसिपी की, चिकन रेसिपी के लिए, वेट लॉस रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।